तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रमा से बनने वाले राजयोग के बारे में, अथवा यूं कहूँ तो चार में से चंद्रमा से आज मैं इस वीडियो में चार योग को बताऊंगा, जिसमें से तीन तो राजयोग हैं, सुनफा अनफा दुर्धरा, और एक चौथा जो केवल द्रुम है वो कंगाल योग है, जिसके कुंडली में सुनफा अनफा दुर्धरा इस तीनों में से एक भी योग अगर बन रहा है, वास्तव में बन रहा है, तो उस व्यक्ति को जीवन में धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला नाम यश लेने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे रोक देगी। जिसके कुंडली में ये केमद्रुम नामक योग बन रहा है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है। वो चाहे राजा परिवार में प्रधानमंत्री का बेटा क्यों ना हो, किसी राजा महाराजा का संतान क्यों ना हो, किसी मुख्यमंत्री का संतान क्यों ना हो, वो बनेगा मलिन, बनेगा कंगाल, करेगा बर्बाद। उसके पास में धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला नहीं टिक पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें अनफा सुनफा दुर्धरा और केमद्रुम योग के फल को, कैसे ये योग बनते हैं, कहीं आपके कुंडली में इनमें से कोई एक योग तो नहीं बन रहा। अगर आपके कुंडली में से इनमें से कोई भी एक योग बन रहा है तो कौन सा योग है, अच्छा है या बुरा है, उसको आज आप मुफ्त में जान लेंगे। तो हेलो नमस्कार आदाब सलाम सस्त्री अकाल केम झोका से गाय के रोहाले के रांची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम सा। आइए चर्चा को आरंभ करें। ओम सोम सोमाय नमः। देवी और सज्जनों, सबसे पहले सुनफा योग की चर्चा करेंगे। सुनफा योग, ये एक नंबर में ये जो हमारा कुंडली बना हुआ है ये सुनफा योग है। सुनफा योग कब बनता है, ये योग चंद्रमा से इस योग को देखा जाता है, इसलिए हमने कहा ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा की मंत्र का जाप किया हमने। इसमें सूर्य का महत्व नहीं होता, इसमें राहु केतु का भी महत्व नहीं होता है। इसमें पंचग्रह यानी कि चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र, यही पांच ग्रह का महत्व होता है, शनि का भी इसमें महत्व नहीं होता। देवी और सज्जनों, आप सबसे पहले अपनी चंद्र कुंडली निकालें। आपकी एक होती है लग्न कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली आप निकालें और उसमें देखें कि चंद्रमा के द्वितीय भाव में, जैसे कि चंद्र कुंडली जो आपकी होगी तो प्रथम भाव में यहां पर में चंद्रमा लिखा हुआ होगा, देखें इससे क्या दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है। अगर कोई ग्रह है, अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है जैसे कि मंगल बुध गुरु और शुक्र, मंगल बुध गुरु और शुक्र, इसके अलावा कोई नहीं, इन चार में से अगर कोई भी एक ग्रह आपके कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बुध गुरु और शुक्र बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में बहुत बहुत बधाई हो, सुनफा नामक योग बन रहा है। और महर्षि कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सुनफा नामक योग बनता है, पुस्तक का नाम फलदीप का, पेज नंबर 155, प्रमाण के लिए आपको बता रहा हूँ। महर्षि कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सुनफा नामक योग बन रहा है वो व्यक्ति राजा बनेगा। राजा का अर्थ है कि बहुत पैसा वाला, बहुत पावरफुल, बहुत रुपया वाला, धन दौलत वाला, गाड़ी बंगला वाला, समाज में मुखिया सरपंच प्रधान बन सकता है। अब वो इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से जो दूसरे भाव में ग्रह है वो कितना मजबूत है। मुखिया सरपंच एमपी एमएलए विधायक मंत्री मुख्यमंत्री इत्यादि। तो अगर आपके कुंडली में चंद्र कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बुध शुक्र अथवा गुरु चारों में से कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं
तो आपके कुंडली में बनता है सुनफा नामक राजयोग। शर्त यह है कि द्वादश में यहां पर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। ये शर्त है कि 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं चाहिए, नहीं तो ये योग भंग हो जाएगा। पहला, अब बात करेंगे अनफा योग के बारे में। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि जब भी द्वादश भाव में कोई भी ग्रह चंद्रमा से 12वें भाव में, यानी कि यहां पर में, अब देखो आप, ये चंद्रमा है तो चंद्रमा से ये 12वां भाव है, तो चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और दूसरे में कोई नहीं हो, कोई नहीं यानी कि सूर्य, शनि, राहु, केतु, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इस चार ग्रह में से कोई है भी फिर भी उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो योग बनेगा, भंग नहीं होगा। यानी कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह ना हो और 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो आपके कुंडली में बनता है अनफा नामक राजयोग। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में अनफा नामक राजयोग बनता है वो व्यक्ति काफी सीलवान होता है, उसका चरित्र बहुत ऊंचा होता है, वो बहुत ऊंचे चरित्र वाला होता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिस जिस वस्तुओं की वो इच्छा कर देगा वो सब वस्तु उसे मिल जाती है। यानी कि सांसारिक वस्तुओं में जो भी उपभोग करने योग्य वस्तु है वो सब उसको मिल जाता है। यानी कि आपके कुंडली में अगर अनफा नामक योग है तो आप तो चरित्रवान होंगे ही, और साथ ही साथ संसार के जितने भी उपभोग योग्य वस्तु हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। आप इस धरती पर में संतुष्ट रहेंगे और हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा और समाज में एक विशेष मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। ये अनफा नामक योग का फल हुआ। अनफा नामक योग कैसे बना? तो चंद्र कुंडली से द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं चाहिए, चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं चाहिए, ये भाव खाली चाहिए, अथवा राहु, केतु, शनि बैठे भी हुए हैं तो उसकी गिनती नहीं होगी, ये खाली ही माना जाएगा, और द्वादश भाव में कोई ग्रह होना चाहिए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चारों में से कोई भी ग्रह अगर है तो आपके कुंडली में बनता है अनफा नामक राजयोग। सुनफा हुआ कि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में कोई ग्रह चाहिए और द्वादश खाली चाहिए, अनफा हुआ कि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में खाली चाहिए और द्वादश में कोई ग्रह चाहिए। ये बहुत आसान है, बस समझने की बात है। अब तीसरा है दुर्धरा नामक योग। इसमें क्या है कि चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह चाहिए और द्वादश भाव में भी कोई ग्रह चाहिए, यानी कि दूसरे में भी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र कोई हो और द्वादश में भी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र कोई हो अगर है तो आपके कुंडली में बन जाता है दुर्धरा नामक राजयोग। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि जिस किसी भी वो भाग्यवान व्यक्ति जिसके कुंडली में दुर्धरा नामक योग बनता है वो व्यक्ति संसार में जितनी भी साधन की वस्तुएं हैं और जिस जिस की वो कामना करता है, चाह करता है, उन सब का उसे भोग करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि सांसारिक साधनों को खूब भोगने वाला वो व्यक्ति होता है, हर प्रकार का उसे सुख प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, वाहन का सुख मिलता है और वो व्यक्ति हर प्रकार के सुखों से संपन्न और त्यागी कहलाता है। यानी कि दुर्धरा नामक राजयोग जो है सो ये उत्तम कोटि का राजयोग हुआ, बहुत कम लोगों के कुंडली में बनता है। अगर आपके चंद्र कुंडली के द्वितीय और द्वादश दोनों में कोई ना कोई ग्रह है तो निश्चित तौर पर में आपके कुंडली में दुर्धरा नामक योग है और आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपके पास में सब कुछ होगा, जिस जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। ये तीन जो योग हैं देवी और सज्जनों, 1, 2, 3, ये बहुत शुभ योग हैं, बहुत अच्छे योग हैं। इस तीनों में से एक भी योग अगर आपके कुंडली में है तो आप निश्चित तौर पर में इस दुनिया के बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। लेकिन ये जो एक केमद्रुम नामक योग है ये बड़ा खराब योग है। केमद्रुम योग तब बनता है जब आपके चंद्र कुंडली के यानी कि चंद्रमा से दूसरे और द्वादश दोनों भाव में कोई ग्रह ही ना हो,
दोनों का दोनों भाव खाली हो। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपके कुंडली में बनता है केमद्रुम नामक योग, जो कि बहुत खराब होता है। महर्षि कहते हैं केमद्रुम नामक योग इतना खराब होता है कि वो व्यक्ति मलिन स्वभाव का, हमेशा दुखी रहने वाला, निर्धन, पैसे की कमी वाला, दूसरों के अंदर काम करने वाला, दूसरों का दास, नौकरी करने वाला, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े परिवार में उत्पन्न हो गया हो, लेकिन वो जो है सो गरीब का गरीब ही रहेगा। वो गरीब हो जाएगा चाहे उसे अरबों रुपए क्यों न दे दिया गया हो। तो देवी और सज्जनों, केमद्रुम नामक योग आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके कुंडली में केमद्रुम नामक योग है तो बहुत जल्द आपको ज़रूरत है जन्म कुंडली के जांच करवाने की, बहुत जल्द ज़रूरत है आपको उसके समस्या का समाधान करने की। अगर आपके कुंडली में सुनफा, अनफा और दुर्धरा नामक राजयोग है तो आप निश्चिंत रहें, एक समय जीवन में ऐसा आएगा जब आपको धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला जीवन का हर वो सुख मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना की है, चाह की है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पता लगाना है कि वो योग कब आएगा, वो समय आपके ज़िंदगी में कब आएगा, तो इसके लिए तो आपको किसी योग्य ज्योतिष से जन्म कुंडली की जाँच करवानी ही होगी। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। उस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपका एक लाइक हमारी हिम्मत को बढ़ा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही अद्भुत एक से एक विशेष वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और आपने शेयर नहीं किया है तो 2-4-5 लोगों को शेयर कर दें, कहीं किसका भाग्य खुल जाए इस वीडियो को देखने से और किसके पुण्य के भागी आप बन जाएं, राम जाने। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे।